मुल्क भर की तरह रावलाकोट में भी पाकिस्तान का 76वां योम आज़ादी अकीदत और अहतराम और मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। जिला हेडक्वार्टर रावलाकोट समेत आज़ाद कश्मीर तमाम शहरों में शानदार तकरीबात जारी हैं। 13 अगस्त की रात रावलाकोट शहर की सरकारी और नीम सरकारी इमारतों पर चरागाह भी किया गया। 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे सर्किट हाउस में आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। 14 अगस्त को सुबह सायरन बजाया गया, जिसके साथ 2 मिनट के लिए मुकम्मल खामोशी की गई। डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में पूरे 9 बजे परचम कुशाई की मरकजी तकरीब मुनाकिद हुई। साबिक सदर रियासत सरदार मोहम्मद याकूब खान, वजीर हुकूमत आजाद कश्मीर फहीम अहमद रब्बानी, सरदार हसन इब्राहिम खान, कमिश्नर पुंछ डिवीजन चौधरी फरीद अहमद, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद साबर मुगल, SSP पुंछ सैयद वहीद गीलानी, सेक्रेटरी जनरल बार बिलाल शकील एडवोकेट और दीगर ने परचम कुशाई की। इस मौके पर पाकिस्तान का कौमी तराना और आजाद जम्मू कश्मीर का तराना भी पेश करने के बाद फौरी तौर पर पुलिस की जानिब से कौमी परचमों को सलामी पेश की गई। तकरीब से खिताब करते हुए साबिक सदर रियासत सरदार याकूब खान ने कहा कि हम आज जश्न आजादी के मौके पर यह पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान की बगा सलामती हमेशा कायम रहेगा। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी अपनी आजादी हासिल करके पाकिस्तान के साथ फतह का जश्न मनाएंगे। एक मजबूत पाकिस्तान में ही खुशहाल कश्मीर की जामिन है। तकरीब से वज़ीर हुकूमत सरदार फहीम रब्बानी, डिप्टी कमिश्नर पुंछ मोहम्मद साबिर मुगल और माला सेमा असलम ने भी खताब किया है। आखिर में स्कूल के बच्चों और बच्चियों की जानिब से मिली नगमे पेश किए गए और बच्चों ने जश्न आजादी का केक भी काटा। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती बका और मकबूजा कश्मीर की आजादी के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई हैं।